the BART train to a tour bus. Still the same game. Round, लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब मुकाबला है TGR और टाइटेनियम का और उनमें से जो जीतेगा वो सामना करेंगे सर्वाइवर्स का. तो टाइटेनियम और टोंडे गेमर की टीम दोनों यहाँ पे मौजूद है गाइज. सर्वाइवर्स ने वहां पे टीजी को कन्विंसिंगली जो है एक टफ फाइट में हराया. लेकिन गाइज अब मुकाबला है टोंडे गेमर और टाइटेनियम के बीच. थोड़ा सा लेट खेलेंगे जरूर. आज भी ज्यादा नहीं, 1 बजे तक खेलेंगे भाई, फिर मूवी देखेंगे. चलो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा आई गेस ये, फिर 12 से खेल लेंगे. सॉलिड एज अ टाइटेनियम. टोंडे गेमर शूज अ कार की कृपेश दूरे गौतम. ओ यहाँ पे लाजवाब टाइटेनियम को झटका. टोंडे गेमर की टीम को भी उतना ही झटका. इंडिया की नंबर 1 क्लैश स्क्वाड टीम सॉलिड एज अ टाइटेनियम यहाँ पे आ चुकी है. TGR के 3 खिलाड़ी डाउन. RG कार की बिल्कुल अकेले सामने खड़ी मौत बनकर टाइटेनियम. और टाइटेनियम के यहाँ पे पुनीत ने क्वाड्रा किल कर दिया है तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा. टाइटेनियम पुनीत ने क्वाड्रा किल कर दिया गाइस यहाँ पे. द टीम ऑफ सॉलिड एज अ टाइटेनियम डूइंग द क्वाड्रा किल सिंगल हैंडेडली बाय पुनीत. 1-0 से आगे इंडिया की नंबर 1 क्लैश स्क्वाड टीम. क्या बात है, यहाँ पे मुकाबला बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ. सॉलिड एज अ टाइटेनियम यहाँ पे आ चुके. द वेट हैज बीन ओवर. टाइटेनियम बनाम टोंडे गेमर की टीम. आगे बढ़ते हुए TGR टोंडे गेमर की टीम का मुकाबला सॉलिड एज अ टाइटेनियम से. तेज से आगे रश लगाने की कोशिश करते हुए पुनीत सामने की तरफ मौजूद है शूर्जा. ओ यहाँ पे लाजवाब असॉल्ट. लूरे डाउन, शूर्जा डाउन, नोनू का असॉल्ट. चांबा 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 चांबा. ओ माय गॉड. 2-0 से आगे टाइटेनियम. TGR को संभल कर खेलना पड़ेगा. ये टाइटेनियम है, ये पल भर में पूरा का पूरा मैदान साफ कर देते हैं. 2-0 से आगे सॉलिड एज अ टाइटेनियम. भाई साहब TGR बनाम टाइटेनियम. और यहाँ पे थोड़ा सा स्लेज करते हुए इंडियन फैंस लिख रहे हैं कि नेक्स्ट मैच 4-0 इज माय प्रेडिक्शन. रॉकी भाई ब्रो, वैसे तो मैं बायस नहीं होता हूँ बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू TGR, क्योंकि बहुत जबरदस्त फॉर्म में खेल रही है टाइटेनियम. और पिछले 2 राउंड जो जीते इन्होंने सेटल डाउन का तो मौका ही नहीं दिया. TGR की टीम को सेटल डाउन होने ही नहीं दिया है. सेकंड में ऐसा लग रहा है कि रश मार दे रहे हैं, सेकंड में खेल खत्म कर देते हैं. एक बार फिर से लीड ले ली इन्होंने, एक बार फिर से इन्होंने लीड ले ली. लेकिन देखिए एक और खिलाड़ी को खत्म कर दिया है. एक और इस बार नोनू डाउन हुए हैं टाइटेनियम के. शूर्जा को खदेड़े जा रहे हैं, पुश पे पुश लगता हुआ शूर्जा. अरे भाई क्या खेल दिया टाइटेनियम. एक और शॉट, इस बार शूर्जा डाउन. कृपेश बिल्कुल अकेले. और ये झटके में 3-0 टाइटेनियम यहाँ पे रोकने का नाम नहीं ले रही. और गाइस अगला मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 फिनाले में ब्लाइंड स्पोर्ट्स मुकाबला करेगी टाइटेनियम का. रॉकी भाई आप ऑफिशियल टूर्नामेंट कास्ट क्यों नहीं करते हो? व्हाट इज द रीजन? नथिंग ब्रो, ऐसा सीन है कि अभी तक शायद इंडियन ईस्पोर्ट्स में शायद कास्टर्स अच्छी कास्टिंग कर रहे थे तो शायद उन्हें लगा कि मेरी शाउट कास्टिंग शायद इतना ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगी. एंड अगर कभी शाउट कास्टिंग करने का मौका मिले या मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर कास्टिंग करना चाहूँगा, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर, वरना मेरी कोई उतनी दिलीप भाई. और भाई क्या हेडशॉट लगाया कार्की ने. RG कार्की का लाजवाब हेडशॉट था. लेकिन यहाँ पे लूरे रुको जरा, सबर करो भाई साहब. 4-0 तो नहीं हुआ यहाँ पे लूरे. एक्सीलेंट गेम प्ले. लेकिन आप यकीन मानिए टाइटेनियम ने बिल्कुल वही कोशिश की थी. भाई साहब
क्या खेल रही है सॉलिड एज अ टाइटेनियम, उजाड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। टीजीआर की टीम ने एक राउंड जीतकर यहाँ पे वापसी की उम्मीद जरूर जगाई है, बट अब टाइटेनियम और गुस्से में रश कर रही है। गौतम पे डैमेज जरूर आया है, बट टाइटेनियम रुकने का नाम नहीं लेते। एक इनविंसिबल इनकोहेसिव यूनिट की तरह हमले पे हमला चलता ही जाता है। आज जीकार की डाउन, गौतम डाउन हुए, लेकिन वहां शूरजा भी डाउन हो गए, आसानी से रिवाइव दे दिया गौतम को। नोनू पुनीत तेजी से आगे बढ़े, सबसे अधिक किल्स भी हैं इनके, 6 किल कर चुके हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए पुनीत ऊपर की तरफ बंदा, दोनों शील्ड तोड़ने की कोशिश यहां पे रही नाकाम। पुनीत तेजी से आगे बढ़े, कृपेश और भाई साहब लूरे हैं ऊपर की तरफ, लूरे हैं और नीचे की तरफ कृपेश पे असॉल्ट, और भाई नाइस शॉट कृपेश, लेकिन चांबा को डाउन करते करते टाइटेन, और भाई एक भी बंदा यहां पे, खेल खत्म। फोर वन हुआ है स्कोर भाई साहब।